उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतारने जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने 4 जनवरी को देहरादून में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने बताया कि बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय की गई रणनीति को पदाधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा और फिर उसी के अनुसार सभी मोर्चा जमीनी स्तर पर प्रचार के काम शुरू करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अविनेश गुप्ता की रिपोर्ट। दो प्रकार के कार्यक्रम है, एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी, उसमें चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको घर घर पहुँचाने का कार्यक्रम वर्तमान समय में जन जागरण का काम चल रहा है। और इसी के साथ में निमंत्रण पत्र भी प्रत्येक परिवार को अयोध्या आने के लिए दिया जा रहा है।